तो गाइस अभी अपन लोग आए हैं गुरु नानक चौक पे और अभी अपन सब गुरु नानक चौक पे हैं और यहाँ पर जो भी मटकी फोड़ना स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर आज पीछे राधा कृष्ण जो बैठे हैं उनका डांस हो रहा है तो अभी आपको और भी दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर सब पंजारा भी हो रहा है और इतने प्यारे प्यारे बच्चे लोग राधा कृष्ण बने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पर सभी
विशाल आसवानी की ओर से मटकी फोड़ने वाले को 2100 रुपए का इनाम। गाइज एक जगह तो कब मिल गया देखने को। फूट गए रेलवे स्टेशन और देखे गाइस स्टेशन ये दिखाओ इधर अब सजा हुआ। गाइस यहाँ पास मेन अपन आ गए अभी अपन मंदिर। गाइस यहाँ पास ना हर बार टेंट वेंट लगता था डांस होता था इस बार नहीं हो रहा है और यहाँ अंदर में पूजा हो रहा है। अभी अपन मंदिर के अंदर जाएंगे जहाँ मेन पूजा हो रहा है। गाइस ये सर कहीं कुछ सजा नहीं है मंदिर में भी कुछ नहीं है। गाइस एक ही स्कूटी खड़ी है तो कृष्ण भगवान जन्म ले चुके हैं और इधर हम लोग कहीं का मटकी फोड़ना नहीं देख पाए। मतलब इतना टाइम लगा रहे हैं आधे आधे लगता टाइम इतना तो पता है लेकिन कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था। अभी तक कुछ वापस स्टार्ट ही नहीं हुआ इसलिए हम लोग वापस आ गए। इससे पहले जितने बार हुआ है सब बार बहुत अच्छा हुआ है। इस बार तो एक बार भी अपन साथ में बोलते हैं हाथी बेड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो गाइस यही था आज का अपना व्लॉग। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय। और एक बार आप लोग को फिर से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। अब हम जाते हैं घर में खाना खाते हैं। अगले साल मिलते हैं। अब अगले साल नहीं मिलते हैं मतलब व्लॉग तो मिलेगा आपको लेकिन अब जन्माष्टमी का तो अगले ही साल मिलेगा।